एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स से. एग्जाम्पल नंबर वन, राइट फाइव इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखनी है मींस जो फ्रैक्शन इसके इक्वल हो, अगर हम उन्हें कट भी करें तो हमारे पास लास्ट आंसर 3/5 ही बचे अगर हम उसे लोएस्ट फॉर्म में लिखें. तो पहली है 3/5, 5 लिखनी है तो हमने इसे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. अगर हमने ऊपर नीचे सेम टर्म से मल्टीप्लाई किया मींस 1 ही है, किसी भी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही टर्म रहेगी. तो 3/5 × 2/2, 5 फ्रैक्शंस लिखनी है. किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 से कर दिया, 4 से कर दिया, 5 से कर दिया एंड 6 से कर दिया. तो हमारे पास 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ जाएंगी. 3 × 2 = 6, न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. 3 × 3 = 5 × 3. 3 × 4 = 5 × 4. 3 × 5 = 5 × 5. 3 × 6 = 6 × 5. Therefore, 5 equivalent fractions of 3/5. 5 equivalent fractions of 3/5 are 6/10, 9/15, 12/20, 15/25. एंड 18/30. अगर आप इन्हें इनकी लोएस्ट फॉर्म में देखो तो हमारे पास यही फ्रैक्शन आएगी 3/5, क्योंकि हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी किया है, सेम नंबर से डिवाइड भी किया है, तो जो गिवन फ्रैक्शन है उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रहेगी. तो ये इसकी क्या हो गई, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. क्लियर? तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 10, 15, 30, 40, किसी भी नंबर से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए. नोट कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2. रमेश सॉल्व 2/7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज. रमेश सॉल्व 2/7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज व्हाइल सीमा ने कितना सॉल्व किया, 4/5 ऑफ इट, मींस 4/5 पार्ट ऑफ एक्सरसाइज. हु सॉल्व लेसर पार्ट, किसने कम किया. अगर हमें फ्रैक्शंस में कंपेयर करना है मींस ग्रेटर टर्म कौन सी है, लेस टर्म कौन सी है, या तो न्यूमिरेटर या डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए, लेकिन इस केस में तो दोनों ही इक्वल नहीं है. तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसने लेसर पार्ट या किसने मोर पार्ट ट्रीट किया. इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी टर्म्स गिवन है उनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे. डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे. नाउ हमारे पास टर्म है 2/7, 4/5, एलसीएम ऑफ 7 और 5. दोनों में से कोई भी किसी कॉमन टेबल पे नहीं आते तो हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 35. नाउ 2/7, 4/5 किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो 35 आए, या हम सिंपली कह सकते हैं अगर डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, तो जो एक टर्म का डिनोमिनेटर है उसे दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, और जो दूसरी टर्म का डिनोमिनेटर है उसे पहली टर्म से मल्टीप्लाई कर दो. तो 7, 5 = 35, लेकिन फ्रैक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, जो गिवन फ्रैक्शन है, इसलिए हमने 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे. 5 × 2 = 10, 5 × 7 = 35, 4 × 7 = 28. अब दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है तो क्या हम जो टर्म्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, उन्हें कंपेयर कर सकते हैं. यस, 10/28, 28/35, 10/35, 28/35. दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमिरेटर को चेक करेंगे. 10 < 28, और ये फ्रैक्शन किसके लिए थी, 2/7 के लिए. सो 2/7 = 4/5.
सो 2/7 पार्ट किसने पढ़ा था? रमेश. सो रमेश सॉल्व लेसर पार्ट. रमेश सॉल्व लेसर पार्ट. तो रमेश ने जो लेस पार्ट सॉल्व किया एक्सरसाइज का. क्लियर? जब भी हमें दो फ्रैक्शंस गिवन है, हमें उन्हें कंपेयर करना है कि कौन सी बड़ी है जो कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, तो उसमें न्यूमिरेटर या डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए. अगर इक्वल नहीं है तो आप डिनोमिनेटर्स को सेम करोगे. जो भी टर्म्स गिवन है, 2, 3, 4 जितनी भी टर्म्स गिवन है, उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लो. फिर हमने जो फ्रैक्शंस गिवन है वो लिखो. अब आप देखो कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि सब केस में डिनोमिनेटर सेम हो जाए. तो 7 × 5, सो 5 × 7. नाउ 10 इज लेस देन 28 और 10/35 किस फ्रैक्शन के लिए आया था? 2/7. जो हमें फ्रैक्शन गिवन है, लास्ट में आंसर हमें उसी में देना है. 2/7 इज लेस देन 4/5, देयरफॉर वी मे सॉल्व लेसर पार्ट. क्लियर? नोट कीजिए. क्वेश्चन नंबर 3. समीरा परचेज्ड 3.5 kg ऑफ एप्पल्स, 4 and 3/4 kg oranges. व्हाट इज द टोटल वेट्स ऑफ फ्रूट्स परचेज्ड बाय हर? राइट डाउन. समीरा परचेज्ड एप्पल्स इज इक्वल्स टू, समीरा परचेज्ड एप्पल्स इज इक्वल्स टू 3.5 kg. समीरा परचेज्ड ऑरेंजेस, कितने ऑरेंज खरीदे? 4 3/4 kg. सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन है, इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 3 × 2 = 6 + 1 = 7/2 kg. 4 × 4 = 16 + 3 = 19/4 kg. Now total weight of fruits she purchased. Total weight of fruits she purchased. मान लो आपने, अगर हम mixed fraction की बात ना करें, whole number की बात करें, 2 kg apples खरीदे, 3 kg oranges. तो आपके पास total कितना weight है? 2 + 3 = 5 kg. तो इसने एप्पल्स इतने खरीदे, ऑरेंजेस इतने. टोटल वेट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे. सो 7/2 + 19/4 kg. नाउ एडिशन भी करनी है फ्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन करनी है, कुछ भी करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है. जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि कंपेयर करना है, तो हमें मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए भी डिनोमिनेटर सेम चाहिए. तो क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे 2 and 4 का. एलसीएम ऑफ 2 and 4, 2 2 1s are 2 2 2s are 4. तो क्या आया? 2 × 2 = 4. कैसे सॉल्व करते हैं? 4 divided by 2 कितना आया? 2 2 multiply by 7 plus 4 को 4 से डिवाइड किया, 1 multiply by numerator 19. 7 × 2 + 19 × 1/4 ऐड करेंगे, 33/4 kg. कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में था हमारे पास 33. 4 8s are 32 1. पहले क्या लिखा जाता है? क्वोशेंट, देन रिमाइंडर, देन डिवाइजर. 8 1/4 kg. तो टोटल वेट उसके पास जो फ्रूट्स का है, दैट इज 8 1/4 kg. क्लियर? समीरा ने एप्पल खरीदे 3.5 kg, ऑरेंजेस खरीदे 4 and 3/4 kg. टोटल वेट हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? ऐड. दोनों को जब हम फ्रैक्शन के टर्म्स को ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. हमने एलसीएम लिया 2 and 4 का, आया 4. 4 को 2 से डिवाइड किया 2 को न्यूमिनेटर 7 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 4 से डिवाइड किया, 1 को 19 से मल्टीप्लाई किया. 7 × 2 = 14 + 1 × 19 ऐड किया 33/4, क्योंकि ये हमें मिक्स फ्रैक्शन में गिवन था, तो हमने आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में दिया 8 1/4 kg. नोट कीजिए.